हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस ऑफ लैंग्वेज स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, दोस्तों यूपीएससी की तरफ से सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक, ये ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, मैं सारी जानकारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। इसीलिए आप लोग को वीडियो बिना स्किप करके अंत तक देखते रहना और बने रहना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो चलो दोस्तों, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट है। तो दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट आया है दोस्तों। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में वो कहा जाता है आप लोग को सीआईएसएफ। बोर्ड नेम ऑफ एग्जाम आप लोग को बोर्ड लेवल से आप लोग को होगा दोस्तों। एग्जाम लेवल की बात करेंगे तो यूपीएससी तो आप लोग को नेशनल लेवल ही होता है दोस्तों। टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा 30 पोस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग को एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा यूपीएससी द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आप लोग को एग्जाम होगा दोस्तों। ऑनलाइन के बाद आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम से आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई के लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों 16 जून, नहीं है दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है दोस्तों, लेकिन 16 जून नहीं दोस्तों, 13 जून 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। इसका एग्जाम होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स, आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो बात आती है दोस्तों, इसके लिए आप लोग को पोस्ट नेम उन लोग को 30 पोस्ट लेकिन कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है दोस्तों। जनरल के लिए आप लोग को 25 पोस्ट देने को मिलेगा, एससी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट, एसटी के लिए आप लोग को 1 पोस्ट देने को मिलेगा और टोटल मिलेगा आपको 30 पोस्ट देने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो नीन है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस कोई देने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आप लोग को रिटन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आप लोग का पेपर होने वाला है दोस्तों बोर्ड में, आप लोग को देयर विल बी दोस्तों और आप लोग को ऑफलाइन में आप लोग को ऑनलाइन होगा एग्जाम होगा दोस्तों। हिंदी एंड इंग्लिश भाषा में आप लोग को एग्जाम होने वाला है दोस्तों, लेकिन इसमें आप लोग को देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, आप लोग को अगर एक मार्क अगर गलत आंसर करोगे तो आप लोग को नेगेटिव मार्क भी मिलने वाला है दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट की बात करें तो 24 मई से लेकर 13 जून 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, अगर वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आओ जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग को वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो देने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बात आती है दोस्तों, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों इस पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अगर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। इसमें आप लोग को सब बताया गया है, इसमें आप लोग को क्या क्या फीचर्स दिया गया है, आप लोग को फायदा होने वाले आप लोग को भी, इसलिए आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लेना। बात आती है क्वालिफिकेशन के बात करेगा तो ग्रेजुएट पास होना जरूरी है दोस्तों। ग्रेजुएट का मतलब बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आर्ट्स साइंस कॉमर्स, कॉमर्स लोग भी अप्लाई कर सकते हो और साइंस लोग भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इनमें किसी भी स्ट्रीम से सिर्फ आप लोग को बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है दोस्तों। इसमें कोई परसेंटेज लेना देना नहीं चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए ना, सिंपल ग्रेजुएट पास, सिंपल ग्रेजुएट, GRADUAT, सिंपल ग्रेजुएट, इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए दोस्तों, परसेंटेज नहीं चाहिए दोस्तों, सिंपल पास होने से भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो सिंपल ग्रेजुएट पास होने से भी इस सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।